ये देखिए, ये फेज न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे नहीं जल रहा है। और ये मेरा फेज है दोस्तों, देखिए जैसे ही हम फेज के पास लेके जा रहे हैं बहुत ही अच्छा ग्लो कर रही है। देखिए 4 से 5 इंच ऊपर हम रखे हैं, फिर भी ये देखिए लाइट अभी भी हल्का जल रही है। जितना नज़दीक जाएगा उतना ही ज़्यादा लाइट, अच्छा से लाइट ग्लो कर रहा है दोस्तों। देखिए हेलो दोस्तों, टेक्निकल सीवटेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक वायरलेस टेस्टर बनाने वाले हैं। ये वायरलेस टेस्टर दोस्तों आपको फेज सप्लाई में टच नहीं करना होगा, फेज में ये आपको 4-5 इंच दूर ही रखिएगा और ये आपको सिग्नल दे देगा दोस्तों कि इसमें फेज सप्लाई जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। 3 लेग देख रहे हैं दोस्तों। ये फर्स्ट वाले लेग दोस्तों आपका कलेक्टर है और बीच वाले लेग आपको दोस्तों बेस है और सबसे साइड वाले दोस्तों ये तीसरा लेग जो देख रहे हैं ये एमीटर है दोस्तों। 548 को यूज़ करके हम आपको आज वायरलेस टेस्टर बना के दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, दो ट्रांजिस्टर जो लिए हैं हम BC548, इसको हम दोनों को इस साइड से एक ही साथ इस टाइप से मिला लेंगे जैसा कि हम आपको बताए थे। और मिला के दोनों दोस्तों, ये दोनों को हम फेविक्विक की सहायता से जिसमें भी आप चिपकाना चाहते हैं दोनों को इस टाइप से हम चिपका देते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए दोस्तों, हम दोनों को फेविक्विक की सहायता से इस टाइप से हम दोनों को एक दूसरे को ज्वाइंट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम आपको BC548 के बारे में एक बार ड्राइंग के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। ये जो फर्स्ट लेग देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका कलेक्टर है। सेकेंड वाले लेग आपका लेग जो है दोस्तों, ये आपका बेस है। और ये जो थर्ड वाले देख रहे हैं दोस्तों, ये मीटर है आपका। अब दोस्तों देखिए, जैसे हम ड्राइंग में आपको बताए थे कि ये जो फर्स्ट वाले लेग हैं ये कलेक्टर है, ये बेस है थर्ड सेकेंड वाले, और ये लास्ट वाले जो देख रहे हैं ये अर्थ मीटर है। तो इस टाइप से दोस्तों हम दोनों कलेक्टर को BC548 के दोनों कलेक्टर को एक दूसरे से ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक दूसरे से ज्वाइन करने के लिए दोस्तों, ये देखिए दोनों को एक साइड से ये किया हुआ है, तो दोनों कलेक्टर को हम ज्वाइन कर लेंगे इस टाइप से। देखिए दोस्तों, हम दोनों कलेक्टर को ज्वाइन कर लिए। अब इसमें हम अच्छे तरह से सोल्डरिंग कर दे रहे हैं दोनों को। अब बारीकी से इसको समझना होगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत छोटा सर्किट है। इस टाइप से देखिए, हम दोनों को ज्वाइन कर दिए। अब दोनों को हम जो एक्स्ट्रा लेग जो दिख रहे हैं इसको हम काट देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 6 लेग थे दोनों BC548 में। अब इसमें 2 लेग ज्वाइन किए तो इसमें टोटल 4 बच गए। अब दोस्तों किसी एक को हम जो BC548 है उसके बीच वाले लेग को इस टाइप से हम ऊपर कर देते हैं। इस टाइप से देखिए, इस टाइप से ऊपर कर दिए। अब दोस्तों टोटल मेरा यहाँ पे अभी 4 लेग बचा था, अभी 3 लेग बचा है, इसको हम ऊपर कर दिए। अब देखिए दोस्तों, जो हम BC548 है उसमें जो ऊपर तरफ जो एक लेग ऊपर किए हैं उसको छोड़ के इसमें दोस्तों देखिए, ये वाले ट्रांजिस्टर पे जो है इसके बीच वाले लेग को और जो जिसमें ऊपर किए हैं एक लेग को ऊपर किए, ये बीच वाले और जिसमें ऊपर किए उसके सबसे साइड वाले लेग, जो ये मेरा बेस है और ये अर्थ, ये दोनों को एमिटर जो है ये दोनों को हम मिला देते हैं। इस टाइप से मिला के इसको भी सोल्डिंग कर देते हैं। कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि सब एक दूसरे पे टच ना करें। इस टाइप से देखिए अब मिला देते हैं ये दोनों को इस टाइप से। अब इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं। इस टाइप से मिला दिए, अब दोनों को हम सोल्डिंग कर देते हैं और एक्स्ट्रा लेग जो बचा हुआ है इसको हम काट देते हैं इस टाइप से। दोस्तों हम अब 2 बैटरी लेंगे। ये देखिए, ये जो मेरा घड़ी में ये जो बैटरी देख रहे हैं ये घड़ी में यूज होता है। तो दोनों को बैटरी को दोस्तों हम इस टाइप से कनेक्शन करेंगे कि एक साइड आपका माइनस निकलेगा, एक साइड आपका प्लस निकलेगा। तो दोस्तों ये इसको हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं, तो इसको हम किसी की सहायता से इसको बढ़िया से सेट करेंगे। तो दोस्तों हम इसमें टेप लेंगे। ये देखिए हम टेप ले रहे हैं, ये टेप को टेप से इसको बढ़िया से सेटअप करके रखते हैं। इसको चारों तरफ से मोड़ लेते हैं जो ये मेरा सेट रहे।
इस टाइप से देखिए दोस्तों, हम टेप की सहायता से इसको बढ़िया से सेट कर लिए हैं। अब इसको हम दोनों साइड से सोल्डिंग करेंगे, दो वायर निकालेंगे सोल्डिंग करके। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ये जो प्लास्टिक सोल्डिंग की है, तो इसमें जो प्लास्टिक लगा हुआ है, टेप जो लगाए थे उसको, टेप को हम हटा लेते हैं। उसके बाद इसमें सोल्डिंग करेंगे, दो को सोल्डिंग करके दो वायर निकालना होगा। तो दोनों साइड से हम इसके जो टेप लगाए थे इसमें सेटअप करने के लिए, टेप को हटा लेते हैं और दो वायर सोल्डिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, बढ़िया से हम सेटअप कर लिया। इसमें दो वायर हम सोल्डिंग करेंगे। ये देखिए ऊपर वाले टर्मिनल पे हम प्लस है, तो प्लस का वायर एक सोल्डिंग करेंगे इस टाइप से। देखिए अब नीचे वाले वायर पे दोस्तों एक माइनस का वायर हम सोल्डिंग करेंगे। इस टाइप से देखिए मेरा दोनों वायर अब सोल्डिंग हो गया है। देखिए दोस्तों, अब इसमें मेरा दो टर्मिनल बचा है। एक टर्मिनल ये है जो मेरा एमिटर है, और ये बीच वाले दो देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा बेस है। तो दोस्तों हम ये जो बैटरी का कनेक्शन किए हैं, तो बैटरी का माइनस पॉइंट इसमें कनेक्शन होगा। तो चलिए हम इसको सोल्डिंग कर लेते हैं, बैटरी के माइनस पॉइंट को। इस टाइप से हम बैटरी के माइनस को एक लेग पे कनेक्शन कर ले रहे हैं। इस टाइप से देखिए दोस्तों, मेरा हम माइनस का कनेक्शन कर लिए हैं। अब एलईडी एक बोल लेंगे दोस्तों, ये देखिए जो 5 mm का मेरा एलईडी बोल है, इसके प्लस वाले टर्मिनल पे दोस्तों हम ये बैटरी का प्लस है उसको कनेक्शन करेंगे। अब एलईडी बोल का हम प्लस पॉइंट कनेक्शन कर लिए दोस्तों। अब दोस्तों ये एलईडी का जो माइनस देख रहे हैं, वो दोनों जो BC548 है, उसके हम जो दो टर्मिनल को एक साथ कनेक्शन किए थे, जो आपका कलेक्टर पॉइंट था, वो दोनों कलेक्टर के साथ ये माइनस का कनेक्शन होगा। इस टाइप से हम माइनस कनेक्शन करेंगे, दोनों को हम सोल्डिंग कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, मेरा पूरा कनेक्शन हो गया है। अब केवल ये जो BC548 है, इसके ऊपर वाले लेग एक जो बचा हुआ था, जो हम ऊपर वाले किए थे, उसमें एक स्प्रिंग का कनेक्शन करेंगे। ये देखिए, इसको हम इस टाइप से कनेक्शन करेंगे, इसको सोल्डिंग करके इस टाइप से हम स्प्रिंग के साथ जो ऊपर वाले लेग किए थे उसको कनेक्शन कर रहे हैं। मेरा कनेक्शन हो गया है दोस्तों, इसको हम सेटअप करते हैं। दोस्तों ये जो बैटरी हम कनेक्शन किए, ये बढ़िया से सेटअप हो बोल के एक इंसुलेशन वायर से हम इसको बढ़िया से टाइट कर देते हैं। इससे ये मेरा लॉन्ग टाइम तक चलते रहे, इसलिए देखिए इस तार को हम लपेट के इसको बढ़िया से फिटिंग कर रहे हैं। ये इंसुलेशन वायर है दोस्तों, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इंसुलेशन वायर के साथ हम बढ़िया से फिटिंग कर दे रहे हैं, ताकि ये हिले ना बढ़िया से। अब जो ये वायर बचा है दोस्तों, इसको हम काट कर दे रहे हैं। इस टाइप से दोस्तों हम इस सिरिंज में इसको डालेंगे। तो इसको सिरिंज को सबसे पहले होल करके एलईडी को हम बाहर निकालने के लिए इन्हें छोटा सा होल करते हैं इस टाइप से। इसी में हम इस एलईडी बोल को निकालेंगे इस टाइप से। चलिए हम अब इसको डाल दे रहे हैं, देखिए इसमें मेरा अभी फेज सामने है, इसलिए अभी भी ये ब्लिंकिंग कर रहा है इस टाइप का। देखिए दोस्तों, हम इसमें जो सिरिंज था मेरा पुराना, इसमें सेटअप कर लिए। एक वायर निकाल लिए ये अर्थ लेने के लिए। ये जैसे कि हम टेस्टर में, जैसे ये टेस्टर है जिसे हम चेक करते हैं कभी भी, इस टेस्टर में जैसे कि इधर हम से अर्थ देते हैं, तब जाके मेरा एलईडी बल्ब जलता है, टेस्टर ग्लो करता है, उसी टाइप से इसमें भी करना होगा दोस्तों। ये देखिए हम थोड़ा सा वायर निकाले हैं इसमें। तो चलिए इसको हम फेविक्विक की सहायता से इसके बढ़िया से इसको सेटअप कर लेते हैं इस टाइप से। देखिए दोस्तों, मेरा जो वायरलेस टेस्टर हम बना रहे थे, ये मेरा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, इसमें हम बैटरी डाला हुआ है और एक एलईडी 5 mm का एलईडी बल्ब भी हम लगा दिए हैं। तो ये देखिए इधर मेरा जो अर्थ है, अर्थ हम इधर निकाल के लिए हैं इस टाइप से। देखिए अब दोस्तों, हम इसको जो मेरा वायरलेस टेस्टर बन गया है, इसको हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। अब दोस्तों देखिए, हम इसमें आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए एक मेरा बोर्ड है, इसमें हम एसी 220 वोल्ट एसी सप्लाई ले लिए हैं। इसमें हम फेज भी आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए मेरा टेस्टर में लाइट आ रहा है, देखिए यहाँ पर आपको अभी सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए लाइट आ रहा है। अब हम इसको वायरलेस टेस्टर से हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं।
ये जैसे कि हम यहाँ टेस्टर को, ये जो मेरा ओरिजिनल टेस्टर है, इसको जब तक फेज पे टच नहीं कीजिएगा तब तक ये आपका लाइट आएगा नहीं इसमें, तब तक हमको पता नहीं चलता है कि इसमें कैसे फेज है कि नहीं है। और हम जो वायरलेस टेस्टर बनाए हैं दोस्तों, ये आपको वहाँ डायरेक्ट लगाना नहीं पड़ेगा, ये सामने ले जाइएगा और आपको बता देगा कि इसमें फेज है। ये देखिए हम सामने करेंगे और आपको अभी बता देगा ये कि इसमें फेज सप्लाई जा रहा है बोल के। तो चलिए हम सबसे पहले आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, ये आपको वायर इसमें छीनना भी नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, हम एक बोर्ड लिए हैं, इसमें हम फेज सप्लाई दोनों दिए हैं, इसमें हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं वायरलेस टेस्टर से कि मेरा वायरलेस टेस्टर काम करता है कि नहीं करता है, कैसे ये काम करता है, ये हम आपको बताएंगे अभी, ये लाइव करके दिखाएंगे दोस्तों हम। तो ये देखिए मेरा वायरलेस टेस्टर है, ये एक फेज है एक न्यूट्रल है दोस्तों। ये देखिए हम इसमें अब लगा के अभी दिखा रहे हैं आपको, इसमें मेरा वायरलेस टेस्टर काम नहीं कर रहा है, देखिए ये मेरा फेज है दोस्तों। इसमें देखिए अभी हम लगा रहे हैं, देखिए इस टाइप से मेरा वायरलेस टेस्टर देखिए ग्लो कर रहा है। देखिए जैसे ही हम सामने से इसको ऊपर करने लगते हैं, ये मेरा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगता है इस टाइप से। देखिए दोस्तों ये अभी जल रहा है, अभी देखिए यहाँ से ढक रखे हैं, ये जल रहा है दोस्तों इसमें। और बाकी टेस्टर में दोस्तों, ये जो मेरा टेस्टर है इसमें जब यहाँ पर लगाएगा तो ये ग्लो करेगा ही नहीं जब तक इसको बोर्ड में ये जो सॉकेट है यहाँ नहीं लगाइएगा, लाइट जलेगा नहीं। और ये जो हम वायरलेस टेस्टर बनाए दोस्तों, ये देखिए ये आपका वायर से 2 इंच 3 इंच ऊपर रखिएगा और ये आपका ग्लो करने लगेगा। इस टाइप से वायरलेस टेस्टर को आपको फेज टेस्ट करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगा दोस्तों, ये न्यूट्रल पे काम नहीं करेगा, ये केवल फेज पे काम करेगा। इसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा बहुत सारा वायर है, ये मेरा बोर्ड है एक्सटेंशन बोर्ड जिसमें हम मोबाइल वोबाइल चार्ज करते हैं, हम इसमें भी आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत सारा वायर है, न्यूट्रल फेज दोनों है, तो हम ये वायरलेस टेस्टर को हम सामने लेके जाते हैं। देखिए अभी मेरा वायरलेस टेस्टर बंद है, देखिए हम जैसे जैसे सामने लेके जा रहे हैं देखिए आहिस्ता आहिस्ता जलने लगा दोस्तों इस टाइप से, देखिए क्योंकि मेरा इसमें फेज सप्लाई आ रहा है इसलिए ये जल रहा है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर कर रहे हैं, ये देखिए बंद हो गया, फिर हम इसको नीचे करके जा रहे हैं दोस्तों, देखिए ये जल रहा है। देखिए दोस्तों ये मेरा दो वायर है, ये दोनों फेज और न्यूट्रल है, इसमें भी हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए ये शायद ये न्यूट्रल वायर होगा, इसमें देखिए मेरा लाइट नहीं जल रहा है। और ये मेरा ब्लैक वाला फेज है दोस्तों, इसमें हम लेके जाते हैं, ये देखिए मेरा लाइट जल रहा है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कर रहे हैं इसको, देखिए फिर फेज वायर के साथ लेके जा रहे हैं, ये जल रहा है। इसी को हम इधर न्यूट्रल तरफ कर रहे हैं दोस्तों, फेज को छोड़ दे रहे हैं न्यूट्रल कर रहे हैं, तो देखिए ये मेरा लाइट न्यूट्रल पे नहीं जल रहा है और इसमें फेज लेके जा रहे हैं फेज पे, तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा ग्लो कर रहा है ये। इस टाइप से दोस्तों आप फेज वायरलेस टेस्टर बनाइएगा दोस्तों, ये मेरा वायरलेस टेस्टर है, ये आपको फेज टेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये कितना अच्छा ग्लो कर रहा है ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ऊपर कर रहे हैं, जलेगा ही नहीं, ये जैसे ही फेज के सामने जाएगा दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता ये जल रहा है। एक बार फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं फेज और न्यूट्रल पे, ये दोनों मेरा फेज और न्यूट्रल है, आपको अगर डाउट है दोस्तों तो देख लीजिए, ये देखिए ये फेज न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे नहीं जल रहा है और ये मेरा फेज है दोस्तों। देखिए जैसे ही हम फेज के पास लेके जा रहे हैं बहुत ही अच्छा ग्लो कर रही है, देखिए 4 से 5 इंच ऊपर हम रखे हैं फिर भी ये देखिए लाइट अभी भी हल्का जल रहा है, जितना नज़दीक जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा से लाइट ग्लो कर रहा है दोस्तों। देखिए इस टाइप से दोस्तों आपका ये वायरलेस टेस्टर जो है बिना फेज को खोले आप वायर टेस्टर, जो बाकी टेस्टर में हम लोग जैसे यूज करते हैं, ये मेरा जो टेस्टर है दोस्तों जब तक हम इसको यहाँ पे नहीं लगाएंगे ये मेरा ग्लो नहीं करेगा, नहीं जलेगा, हमको पता तक नहीं चलेगा कि इसमें फेज है कि नहीं है। और ये मेरा वायरलेस टेस्टर जो है दोस्तों, ये आप सामने कीजिएगा और ये आपको बता देगा कि इसमें फेज सप्लाई जा रहा है। इस टाइप से दोस्तों आप वायरलेस टेस्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में। तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।